आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिरोजाबाद द्वारा पालीवाल हॉल में स्वाधीनता के 75वें दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर जिले के तमाम विद्यालयों से छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग लेने आई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान अशोक कुमार शुक्ल द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए कहा, नारी सशक्तिकरण को और मजबूत होना चाहिए ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर रहें। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज़ादी के 75 वर्ष में चल रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज पालीवाल ऑडिटोरियम में एक जिला छात्र सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे संगठन मंत्री हैं, मेरे बड़े भाई श्रीमान देव्य भारद्वाज जी, और जो प्रमुख रूप से यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बड़ी बहन प्रियंका जी, प्रियंका तिवारी जी, साथ ही हमारे बीच अभी जितनी भी छात्राएं रही, एसएसपी साहब भी रहे, साथ में दाऊदयाल डिग्री कॉलेज की हमारी विनीता मैडम भी रही, अनुपम शर्मा जी भी रहे, तो सभी का आज इन सभी छात्राओं को उद्बोधन मिला और सभी ने अपनी वाणी से अपने उद्बोधन में सभी छात्राओं को मोटिवेट करने का काम किया। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, जितनी भी हमारी छात्राएं हैं, हमें ज़रूरत है कि हमारी महिलाएं, हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां सशक्त बने, अपने अधिकारों को समझें, उसके लिए लड़ें। साथ ही साथ आज के समय में जो क्राइम हम देखते हैं जो बड़ा है, उसमें किस तरह से हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं सभी लोगों के पास आज के समय पर जो एंड्रॉयड फ़ोन है, हम सभी लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन आज के समय पर हमें ज़रूरत है कि हम किस तरह से जो हमें संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं हमारी फैमिली के माध्यम से, उनको कैसे हम उनका सदुपयोग करें। तो इन सभी बातों के साथ बच्चियों को, जितनी भी छात्राएं उपस्थित रहीं, सभी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि सभी सशक्त बने, उनके आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ दी। और साथ ही हमेशा ये भी कहा गया कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक स्लोगन है, मैं भी छू सकती आकाश, मौके की है मुझे तलाश, तो आज इन सभी को मोटिवेट किया गया है कि अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, संघर्षशील रहें, और एक दिन आपका लक्ष्य जरूर आपको मिलेगा, आप उसको जरूर। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा, क्योंकि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हर साल होता है विद्यार्थी परिषद का जिला छात्र महानगर छात्र सम्मेलन, तो इस बार भी मनाया गया, जिसमें कि हमें अभिन्न हमारे अतिथिगढ़ का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने इसमें फिरोजाबाद के कई सारे छात्राएं आई, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। मेरा भी बस यही आशय था कि, और हम सभी का भी यही आशय था कि कैसे हम छात्राओं को सशक्त बना सकते, क्योंकि समाज में आज बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे नरेट्स आ गए हैं जो छात्राओं को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। हम बहुत बार सोशल मीडिया की बात करें, या टीवी सीरियल्स की बात करें, या फिर हम बात करें कि मूवीज़ की, बहुत बार हम देख सकते हैं कि एक्ट्रेस को भी हम कम वेतन देते हैं, जबकि वो पुरुष के समान ही काम करती हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब एक किसान का जहन में आता है मन में, तो किसान के नाम पर हमें जहन में आता है केवल पुरुष, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों से अधिक महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम करें तो मेरे हिसाब से बहुत समय लग जाएगा हम जब सारी बातें करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन्हें सोचना चाहिए। सरकार हमारी बहुत सारी योजनाएँ निकालती है, पंचवर्षीय योजना में हमेशा घोषणाएँ होती हैं कि छात्रों के सम्मान के लिए हमें बहुत सारी योजनाएं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके विवाह के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर नहीं हैं। हम खुद छात्राएं अपने अधिकार के लिए अवेयर नहीं हैं, उसी के लिए कि हमें कैसे समाज के लिए आगे बढ़ना है, हमें समाज में कैसे काम करना है, लोगों के बीच रहकर ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को पीछे पछाड़ के कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हमारा ध्येय था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्राओं को आगे बढ़ाती है और हमेशा उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना के लिए